गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत प्यारी बातें करेंगे। सबसे पहले खाना बनाने की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कितने दिन से हमने खाना नहीं खाया है। फॉर सम रीज़न मेरा खाना खाने के लिए मन ही नहीं था, तो या हमने टाइम पास कर लिया। एक मतलब बहुत छोटा लाइक फ्रूट्स ही खाए हैं मैंने पिछले 3 दिन से। आज मेरा खाने के लिए मन है तो बैंगन का भरता बनाते हैं। सबसे पहले बैंगन को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे भुनने के लिए, क्योंकि भुने हुए बैंगन का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सो ये बैंगन ऑलरेडी हो रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हाथ के करम हाथ से कर देंगे। एंड घर की हालत को थोड़ा क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि जितना घर साफ़ हो उतना ही मेरा मन साफ़ होता है। यानी मन मेरा साफ़ ही रहता है, बट ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड खुश रहती हूँ मैं जब मेरा घर साफ़ होता है। सो बिकेस मैं आज सुबह वीडियो को एडिट करने के लिए लग गई थी, तो चीज़ें मैंने ना संभाली नहीं है जो हमने सुबह यूज़ की है, लाइक चाय पी के कुकीज़, चाय दा पांडा, और हिम्मत के लिए जो भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था सारा कुछ। एंड या कुछ आइटम्स को ग्रॉसरी में रख देते हैं, ग्रॉसरी में नहीं पर पैंट्री में। एंड जड़ा भी गंद का चोला है जो मेरे हस्बैंड एंड हिम्मत मचाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ये दोनों बस गंद मचाने का काम करते हैं, सफाई का काम ये दोनों नहीं करते, क्योंकि उसका जिम्मा इन्होंने मम्मी को देख के रखा है। एक बात बताना चाहती हूँ गाइस मैं आपको। ओके, याद आ गई। इस मंथ ना हिम्मत ने पता कितनी बुक्स पढ़ी है, मैं बहुत हैप्पी एंड एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उसने इस मंथ मार्च के महीने में पढ़ी है 32 बुक्स। एंड बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि वो इतनी किताबें कैसे पढ़ पाता है। ये एक्चुअली मैं लाइब्रेरी से लेके आई थी, वापस करनी है मुझे, उसने सारी पढ़ ली है। मार्च ब्रेक में उसने अराउंड 15 किताबें पढ़ी। उसे किताबें पढ़ने का थोड़ा शौक है। एक्चुअली उसे सबसे ज़्यादा ये वाली बुक अच्छी लगती है, डॉग मैन। तो जब भी नया एडिशन आता है वो ख़रीद लेता है, तो ऐसे उसे इंटरेस्ट बन गया धीरे धीरे। एंड अब मैं उसकी रीडिंग में थोड़ी थोड़ी और नई नई किताबें ऐड करती रहती हूँ, कि वो एक ही के साथ स्टिक नहीं करे, वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़े। सो यस, इसी चैलेंज को लेते हमने 32 बुक्स पढ़ी हैं इस महीने, एंड कोशिश है कि इस बार फिर 30 पढ़े। लेट्स सी कैसे चलता है। पर रीडिंग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेजिनेशन खुलता है, रीडिंग स्किल अच्छी होती है, एंड उनके पास पेशेंस आते हैं रीड करने के, क्योंकि आजकल रीड करने के पेशेंस नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से हम लोग इतना स्क्रॉल करते हैं कि हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, राइट? सो यस, दैट्स अबाउट हिम्मत रीडिंग। सो ऐसे करते हैं, टाइमर ऑन करते हैं 20 मिनट का, और जितना मैं क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ करते हैं घर को, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाए। ओके, हे गुगू, पुट 20 मिनट्स टाइमर। रास्पबेरीज धो के रखी थी मैंने, खा लेती हूँ। चिट्टे कपड़े पहन के ना किचन में काम करना कोई सही बात थोड़ी है, वो तो गंदे होंगे ही। रास्बेरी का चिट्टा पै गया, एप्रन पहन लेते हैं, इससे पहले चिट्टे और बड़े। बैंगन होने वाले हैं, पर बैंगन के जब भूनते हैं ना इसको इतनी ज़्यादा इसकी वो आती है स्मेल, तो इसलिए मैंने ना एग्जॉस्ट चला के रखा है पहली गल। दूसरी चीज़ है कि मोमबत्ती भी जला लेते हैं, ताकि घर सारा बैंगन की तरह ना बन जाए। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि उनसे करी जैसी स्मेल ना आए, पर आई डोंट केयर। अभी करी खाएंगे तो करी जैसी स्मेल तो आएगी भाई, क्या करें, राइट? ओके, बहुत गला हो गया, मेरा टाइमर भी फिनिश हो रहा है, तो बातें कम करते हुए काम को जारी रखते हैं। डिश वॉशर को खाली करके डिशेस को लगा देते हैं, ये भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे पति ने डिश वॉशर एम्प्टी कर दिया, ही इज नॉट दैट बैड, राइट? ही इज अ प्रीटी गुड गाय, जितनी भी उनमें बुरी चीज़ें हों, पर ही इज़ ओके। गाइस, आपने कभी नोटिस किया है कि मैं
कोई फालतू बातें नहीं करती हूँ। क्यों? लाइक लोगों की बातें, इधर उधर की बातें, फालतू गल्लां, लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना? डिड यू नोटिस? सी हाउ क्यूट आई एम? आई हैव नथिंग टू डू विद एनीवन। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैं मेरे काउंटर्स को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करती हूँ। ये मिसेस मायर्स का क्लीन डे बिना किसी केमिकल्स के क्लीनर है, और इसका मैंने ना कॉन्सेंट्रेट कर लेके रखा है, तो बार बार मैं खुद से बनाती रहती हूँ। उससे अफोर्डेबल भी है एंड इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। स्पेशली किचन, वैसे तो मेरे पूरे घर में मैं यही यूज़ करती हूँ, पर किचन का स्पेशली, क्यों जहाँ पे आप कुक करते हैं कोई केमिकल्स ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? बड़ा अच्छा सनी था, अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा। सो किचन हो चुकी है साफ़, अभी किचन को दोबारा से गंदा करने की तैयारी करते हैं, खाना बनाने की तैयारी। सो तो इसकी जान चंगी तरह निकल चुकी है। बैंगन की जितनी जान निकलेगी उतना अच्छा है। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम प्याज काट लेते हैं। बैंगन के भरते में हम लोग गार्लिक नहीं ऐड करते। हाँ, मेरी मम्मी ने कहा है कि ज़रूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट लिसन टू हर। एंड वैसे बहुत अच्छा बनता है, जिंजर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं वैसे अगर गार्लिक करना चाहें, मर्जी अब रवा। कामयाब होंगी खाना प्रिपेयर करने में पूरा पूरा हस्बैंड के आने से पहले। फॉर योर सेक, क्या हम होंगे कामयाब? तड़का भी वैसे ना बहुत ज़्यादा देर तक लग दी नहीं है इसको, सो एक प्याज, आधा प्याज ही पावांगे, ऐसे आधा हम किया की सब्ज़ी में बनाएंगे डालेंगे। शायद मैं लेटर किया भी बनाऊँ। ऐसे करती हूँ, तड़का लगाना शुरू कर देती हूँ। तड़का मैं लगाने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल में। कई चीज़ों का फ्लेवर ना मुझे सरसों के ऑयल में ही अच्छा लगता है, जैसे भिंडी, करेले या फिर परथा और कड़ी भी। कुछ प्यार है सरसों के तेल के साथ, राइट? आप बैंगन के भरते को सरसों के ऑयल में बनाते हैं मुझे बताना। कई लोग सरसों के ऑयल में बनाते हैं, कई किसी और में। मैंने नोटिस किया है कि जो आप अपने बचपन में देख लें कि आपके पेरेंट्स कैसे काम करते हैं, स्पेशली मम्मी, तो फिर आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। एंड मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, इसीलिए फिर वो जो बोलती है मैं वही फॉलो करती हूँ। जैसे नो गार्लिक इन बैंगन परथा, जैसे मस्टर्ड ऑयल, एंड ऐसी बहुत सारी और खूबसूरत टिप्स हैं मेरे पास। मिर्ची होगी, टमाटर को भी कर लेंगे, एंड कैमरे की बैटरी होगी डाई, डेड मीट बन गई है वो। मैं इसमें टमाटर एक ही ऐड करने वाली हूँ, वैसे इसमें टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं इसमें टमाटो का पेस्ट भी डालूंगी, सो फ्रेश टमाटो हम एक ही ऐड करेंगे। सो तेल गर्म हो चुका है, बंद कर देते हैं, थोड़ी देर पखा चला देने हैं, एंड जीरे से ऐड करेंगे। यार पता है गलती से ना मैंने जीरे वाले कंटेनर में ना सौंफ ऐड कर दी, ना पाइए वैन दिन स्किप कर देंगे। सीधा अनियन से शुरू करते हैं। बैंगन से छिलका भी उतार लेते हैं जल्दी से, गरम गरम बैंगन से ना वैसे मैं उतारती हूँ। मैं बैंगन को करके थोड़ी देर ना ढक के रख देती हूँ, तो वो जो पसीना सा आता है ना उससे बहुत इजी हो जाता है इसको उतारना। एंड यस, आपको बैंगन का भरता कैसे अच्छा लगता है, ऐसे भून के या बॉईल करके या रोस्ट करके? मुझे लगता है कि ये जो बर्न्ड फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। एंड यस, मैं उबला हुआ नहीं खा सकती, इससे अच्छा है फिर मैं बैंगन ही खा लूँ, आलू बैंगन खा लूँ अगर खाने हो तो, नहीं तो फिर अद्धे ही खाओ। तू ही दसो तो डिकी बेचारा। आई थिंक आई डिड इट। इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं, मेरी चमड़ी उतार के परठा बनाएंगे इसका। तेनों ना कुट कुट के तेरा परठा बना देना, मैं ये तो सभी ने सुना होगा ना, मम्मियाँ बोलती हैं तेरा कुट कुट के परठा बना देना। मम्मी कभी इतना मार सकती हैं कि कोट कोट के परठा बना लें? गाइस, आपकी मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी या आपके डैड, बताना। मैंने सुना है कि कई लोगों की मम्मियाँ डैड से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। मेरी एक दोस्त है, उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड डैडी बहुत ही ज़्यादा पोलू। आप बताना, आपकी मम्मी ज़्यादा शैतान है, शैतान वाला स्ट्रिक्ट है या डैडी? इसमें ऐड कर देंगे चीज़ें, मैं सिर्फ ऐड करूँगी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च
जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर एंड नमक कर दिया मैंने। हल्दी नहीं करेंगे क्योंकि इसका लाल लाल सा रंग मुझे अच्छा लगता है, मुझे पीला पीला पट्टा नहीं अच्छा लगता। सो ये टमाटर हो चुके हैं, सॉरी नो टमाटर, अनियन, टमाटर भी ऐड कर देंगे। मुझे अच्छा लगता है कि जब हम सब्ज़ी बनाए ना थोड़ी सी हो कि हमारा एक बार का चले एंड देन हम कुछ और फ्रेश खाएं। लाइक ज़्यादा पुरानी सब्ज़ी मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना थोड़ी बनाती हूँ कि दो बैंगन हम दोनों के लिए इनफ होते हैं एंड देन नेक्स्ट टाइम के लिए हम फ्रेश कुछ और बना लें। मैंने ऐसे ना टमेटो का पेस्ट बना के रखा है तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। पराठा बनाएंगे कट कट के। इसमें ना ज़्यादा बीज नहीं है, ज़्यादा पल्प सा ही है, गुद्दा, सो दैट्स गुड। मैंने ना इंडिया में बैंगन का भरता बनाना था, आई थिंक आपने वो व्लॉग देखा होगा पंजाब वाला। बैंगन दे विच पल्प सी नहीं, सिर्फ बीज ही बीज, पता नहीं कैसी गंदी सी क्वालिटी के थे, और फिर और कहीं से लेके आए वो भी वैसे ही, तीन चार डिफरेंट प्लेसेस पर ले आंदे पर बैंगन बहुत बेकार सी। फिर भी पड़था बना लिया पर सिर्फ बीज ही बीज सी, और उसे देख के डर लग रहा था कि पता नहीं पथरी बन जाएगी अंदर बॉडी के, बैंगन के बीज से बन जाती है मैंने सुना। वैसे मेरा तैयार है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें हम अब ये बैंगन का भरता जल्दी से ऐड करेंगे एंड और कुक कर लेंगे थोड़ी सी देर। सोना लग रहा है ना, सो भरता रेडी है एंड अब बनाएंगे रोटी या परांठी या फुलके एंड थोड़ी देर में मिलती हूँ। पति अभी नहीं आए हैं सो हम लोग सक्सेस हो गए हैं उनके आने से पहले सब्ज़ी बनाने के लिए। गाइस हस्बैंड आ गया एंड मैंने ना फुलके बनाते हैं आज नहीं मिलनी तेनू प्यारी परौंठी, एक परौंठी खाऊंगा मैं बना ले ऑलरेडी, पहले मैनू बहुत भूख लगी है तो फिर बाद च तो ही कहने होने कि मैनू परौंठी दे दी, पर एक देवी हुंदी परठे दे नाल परठा बनया परौंठी हो जे एक तरह दा सगर हुंदा बहुत। तू ही ना फिर मैनू ब्लेम कर दे कि तू मैनू मोटा कीता, तू भावे मैं सोवा देवा मैनू दही ना परौंठी, मैं जो मर्जी कहां मैनू दही ना परौंठी। मैं तेनू लिस्ट दना केड़ी केड़ी सब्जी ना मैनू एक परौंठी चाहिए, हर एक ना करना तू, मसरा मूंगी दाल ना, राजमा ना, भिंडियां ना, ना 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 छोलिया ना, पनीर दो प्याज दे ना, पनीर ना, तेनू हर एक ना परौंठी चाहिए है प्यारी। कर लो फिर, मैं खा ला रोटी तरती, वैसे तो मैं हमेशा हस्बैंड को खिलाने के बाद खाती हूँ पर अज मैंने सोचा कि मैं पहला खा लैनी हाँ क्योंकि कभी मैं अपने आप नू भी तो पहला रखा राइट है ना बहू, कभी मैं अपने आप नू भी तो अगे रखा, सारा टाइम थोड़ी सेवा करती रहनी हाँ। सॉरी प्यारी दिस इज मी फैमिली भी, अरे तेनू बना के खुआनी गर्मा गर्म फुलके, पहली बार मैं फुलके बना के रख ले बहुत घट बना ना, खा ला फिर बहू मैं, तु खा लोगे अपने आप। सो हिम्मत कर रहा है बाहर प्ले, स्नोमैन बनाने की कोशिश में है वो एंड आज स्नो काफ़ी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि आई थिंक 14 डिग्रीज है, होपफुली आज लास्ट दिन हो पर फ्यूचर में एक दिन आने वाला है जिस दिन थोड़ी स्नो होगी अगेन। सो मैंने बनाई है चाय, बाल खिलर गए क्योंकि मैं ना नैप लेने की कोशिश में थी। चाय पीने के बाद मेरा प्लान है कि हम लोग, मैं और हिम्मत जाएँ थोड़ी देर शॉपर्स ड्रग मार्ट, जाना चाहती हूँ मैं क्योंकि वो नया फाउंडेशन है ना ये वाला, मुझे ट्राई करना है, मुझे पता नहीं अभी कनाडा में आया है या नहीं पर इंडिया में तो आ गया है, शायद इंडिया में ही लॉन्च हुआ है पहले,
आई कांट वेट कि बढ़िया वार्म दिन आए तो इतने कुर्सी ला के बह जा मैं। हिम्मत हैविंग फन? हाय गाइस। ओह माय गॉड, तोड़ना नहीं। बट आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्नो। प्लीज स्टडी। इट्स टेकन फॉरएवर टू पुश इट फ्रॉम हियर। स्नोमैन दे ऊपर न ऊपर खड़ गया मुंडा साडा। सो क्विकली हम लोग आए हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट क्योंकि हिम्मत को क्रेविंग हो रही है चॉकलेट खाने की। वैसे मैं उसको चॉकलेट लेके नहीं देती हूँ, बहुत रेयर होता है, पर मैं अपने लिए कुछ लेना चाहती थी तो मैंने सोचा चल तू भी आ जा। वैसे भी जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे साथ आ जाए क्योंकि फिर आप दोनों सम क्वालिटी मॉम सन टाइम स्पेंड करें। या वी डू सम बॉन्डिंग, सम क्वालिटी टाइम एंड मेमोरीज। सो इसलिए से ले आई हूँ मैं। लेट्स गो मिमी, let's go, time to go. Ay, uy, ah. So हिम्मत का ये ईस्टर बास्केट देख लो गाइस। हिम्मत ने ईस्टर एग हंट की दिया एंड मैंने हाइड कर दिए थे घर में तरह तरह। सो ही इज हैविंग वन। ओए नहीं शुगर ना खा। एक खान लो कोई नहीं, ब्रश ही कर लेनी उन्हें प्रॉपर, राइट? सो पार्क में आए हैं और आए थे कुछ पड़ा है लाइक किसी ने यहाँ से गाड़ी निकाली है, मतलब कहना ने गड्डियों नहीं कम्युनिटी वाले ने गड्डियों नहीं, वो फोल्ड हो गया तो लग गया था बहुत हीरो। अपने घर च चम्मच इधर उधर नहीं रखना, बाहर आके दसना मैं बहुत समाज से भी हाँ पंडिया में गिट्टे भरना पूजा प्यार प्यार पराया दे ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋ ਯਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਦ ਵਾਲਾ ਸੀਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਚਮਚ ਤੇ ਚਮਚ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਣਗੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿਤਾਓ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसे एमसी बना दो मोहल्ले का, ये हमारे सारे दुख तकलीफें सही करेगा। मेरे मुंह तो कैमरा पे प्यारी, आजकल मैं सुनया वे कि लोग व्यूज दे चक्कर दे विच समाज सेवा करदे प्यारी, कि तू ओ तो नहीं ओई सही पहचान ओ अज नियाणा ही नहीं कोई आया तो डरनिया ना किथे आ। ओके सो आज हस्बैंड गए थे जिम पता नहीं किन्ने सालों बाद, एक साल बाद, तो अज इन्नी रनिंग कर ली, अज ही लग्गा ला लिया, अज ही बाहवा ला लिया, तो हूँ इतने भी स्क्वैट कर दे कहते अज पूरी खलियाँ पवानियाँ तो फिर 15 दिन जाएंगे नहीं। इदा ही हाँ अपना इदा ही हाँ, मैं खलियाँ पवा के फिर महीना चाहिए नहीं अभी जी करीदा तो करीदा नहीं तो नहीं करीदा। प्यारी मेरी जिंदगी का हीरो कौन आ, मेरी जिंदगी च जीरो कौन आ, हु इज द विलन इन माई मूवी, यू। सो तो आपके बिना कैसे चलेगा, राइट? या डैडी इज द विलन। सो गाइज खा पी के हम लोग आ गए पार्क में थोड़ा देर, वैसे मेरा मेडिटेशन का समय है जो कि मैंने लाइक का समय संकल्प लिया है उसी में मैं करूँगी। सो 15-20 मिनट में यहाँ पे घूम लेती हूँ क्योंकि अच्छा मौसम है, उसके बाद मैं घर जाके मेडिटेशन करने वाली हूँ एंड डैडी और हिम्मत यहाँ पे आधा घंटा और स्पेंड करेंगे। डिनर बनाने के लिए ना मेरा प्लान नहीं है, बस हिम्मत के लिए मैं पास्ता बनाऊँगी ताकि वो लंच में लेके जा पाए एंड ऑल्सो डिनर कर ले क्योंकि कितने दिन से बोरिंग खाना खा रहे हैं, जब बोरिंग खाना खाते रहते ना तो ये फिर दुखी हो जाता है, छोले कुलचे न्यूट्री कुलचे तो इसे नहीं अच्छा लगता वो। सो इसके लिए पास्ता बना देंगे ताकि ये खुश हो जाए। सो दैट्स इट, घर जाके मिलती हूँ आपको, चंगा बाय बाय। सो मैंने बनाया है स्पैगेटी पास्ता, इसमें मशरूम ऐड की है एंड हिम्मत की प्लेट रेडी है। डिनर खाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली हिम्मत को बाथ टब करना था एंड उसने वहाँ पे ला लिया है आधा घंटा। अब सबसे पहले हिम्मत को दे देते हैं ब्यूटीफुल पास्ता। हे यू गो स्वीटी, थैंक यू, यू वेलकम। ओके मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी खाने वाली हूँ आज एंड थोड़ी देर में सोने के लिए जाऊँगी। जब हम छोटे थे ना, मैं मेरा जो साथ वाला घर था वो मेरी कज़न का घर था एंड उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है। उसका बर्थडे आता है जुलाई में एंड मेरा बर्थडे आता है अगस्त में, सो मेरे से 1 मंथ बड़ी थी, 24 जुलाई एंड मैं 26 अगस्त एंड हम दोनों को ना पास्ता बहुत अच्छा लगता था।
उन दिनों में हम लोग सिर्फ मैक्रोनी खाया करते थे एंड मैं और वो दोनों कुक करते थे हमारे स्टाइल में, देसी स्टाइल में, लाइक टमाटर डाल के, खूब सारे आलू डाल के एंड खाते थे। ये हमारा रिचुअल था हमेशा, जब भी हम इकट्ठे होंगे ना तो हम दोनों मैक्रोनी बनाएंगे, या एक दो और हमारी सिग्नेचर चीज़ें थी वो हम दोनों खाते थे। मेमोरीज। सो मैं पास्ते की हमेशा से फ़ैन हूँ, अब ज़्यादा मैं पास्ता अवॉइड ही करती हूँ, बट हेयर देयर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लाइक बहुत पोर्शन को कंट्रोल करके, लाइक ये पिद्दी सी प्लेट में डाला है मैंने, हम डन ऐसे पेट भर भर के नहीं खाएंगे, बट फ्लेवर के लिए लिटिल बिट इट्स ओके। तो यस, दिस इज़ माई पास्ता। सो यस गाइस, इसी तरह आज का दिन होता है कम्प्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे ज़रूर से करें, ताकि हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। एंड कमेंट बार में कुछ प्यारी सी मेमोरी बताएं अपने चाइल्डहुड की, कि आपको खाना क्या पसंद था। सी यू टुमारो, बाय बाय। Delicious. So tasty, Mama. Thank you. Thank you so much for waiting. Aw, thank you, Mano.